फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस की टीच में। देखिए फ्रेंड, जैसे कि क्लास 10 के हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं साइंस के लिए। देखिए इन क्वेश्चनों को और आप अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंक दो के लिए। ये ध्यान में रखना, अंक दो के लिए है। देखिए मैं आपको ये पार्ट बाई पार्ट बता दे जाऊँगा। ये हैशटैग वन यानी ये पार्ट वन है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, तो आपको सभी पार्ट जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए सभी मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें अंक दो के लिए सभी दे दिए हैं। इनमें से आपके जो पेपर में सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप सभी लोग को पता है गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास जरूर दे सकता हूँ। और वैसे भी आपको खुद लाइव प्रूफ में आपको बता सकता हूँ, जैसे कि अभी मैंने बहुत पहले ही ये वीडियो अपलोड कर दी है। जैसे कि आप क्वार्टरली एग्जाम देंगे तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। जरूर नहीं कि क्वार्टरली एग्जाम में ही पूरे क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वार्टरली एग्जाम में लिमिट दी रहती है कि आपको जो टेन जो कि टेंथ क्लास है लिमिट दी रहती है क्वार्टरली एग्जाम में। इतने चैप्टर में केमिस्ट्री में से 3 यूनिट आएगी, फिजिक्स में से 3 यूनिट आई और बायोलॉजी में 3 यूनिट। तो मैंने क्या बोर्ड एग्जाम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखकर बनाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसी में से आपको क्वार्टरली में तो बिल्कुल कंफर्म नहीं पता चलेगा, हाफ ईयरली में थोड़ा पता चल जाएगा, प्री बोर्ड में, ठीक है, प्री बोर्ड में आपके इनमें से पूरे पूरे क्वेश्चन जो दो अंक दो के लिए पूछे जाते हैं बिल्कुल इसी में से पूछे जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ और आप खुद भी देख लेना। अगर नहीं आए एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो वो आप इतने तो आप भी होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं कि आप क्वेश्चन अगर एक आध क्वेश्चन नहीं आया प्री बोर्ड में या द्वितीय प्री बोर्ड में तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो फ्रेंड्स, इनको अच्छी तरह से कर लेना तभी आप 80% अपनी बना सकते हैं। देखिए कौन कौन से, देखिए पहला देख लेते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए वैसे जो आपको फर्स्ट चैप्टर है इसमें से दो नंबर का पूछा जाता है कि 3 नंबर का, कभी कभी यही 3 नंबर में पूछ सकता है और कभी वैसे 2 नंबर लायक क्वेश्चन है लेकिन 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या ये भी पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अलग प्रकार से पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि ये पूछे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। इसके बाद श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अंक दो के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पार्ट वन है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो क्या अंक तीन के लिए आएगी, जो कि #2 आएगा, ठीक है, पार्ट टू यानी, ठीक है, आप समझ लेना। सभी वीडियो देखेंगे तभी 95+ आएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं आएंगे। आप कहें कि एक वीडियो देख लें, मान लीजिए कि अंक दो के 5 क्वेश्चन आते हैं तो ओनली 10 अंक ही आपके पक्के होंगे, ठीक है। तो सभी वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या अपचेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। अपचेपण अपक्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रेडॉक्स अभिक्रिया ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। देखिए संचारण का एक अलग ही क्वेश्चन बन सकता है कि संचारण क्या है, इसके उपाय बताइए, ठीक है, इसके, ठीक है, जंग लगने के जो भी इस वैसे नेक्स्ट चैप्टर है आपका 3rd चैप्टर है, वैसे इसमें पूछा नहीं जाएगा। देखिए संचारण का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो आपको पूछा ही जाएगा, लेकिन जो 3rd चैप्टर है आपका धातु और अधातु उसमें से उसमें एक क्वेश्चन है। देखिए उसमें 5 नंबर का वैसे पूछा जाता है लेकिन NCERT पैटर्न हो चुका है तो जरूरी आपको वैसे पता कि धातु अधातु में इंपॉर्टेंट अंतर है वो, लेकिन नहीं पूछा जाता क्या 2 नंबर में पूछ लेता है क्योंकि NCERT पैटर्न हो चुका है, तो वो सभी क्वेश्चन इसलिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। और सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, आप अगर इनको अच्छी तरीके से कर लेते हैं अंक दो के, मैं कह रहा हूँ एक भी इनमें से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इनको कर लेते हैं तो अंक दो के तो आपको इनमें से कवर हो जाएगा पूरा पूरा, और वैसे भी आपके पास अभी बहुत टाइम है, अगर आप शुरू से स्टडी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऊष्माक्षेपी वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, तो इसका अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। मैं अंतर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो अंक 3 के लिए है उसमें भी बता दूंगा। तेल एवं बसे खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसके बाद विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया को समझाइए, तो इसमें अंतर भी पूछ सकता है कि विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया में अंतर लिखिए। जैसे आपको समझाना है उसी प्रकार आपको इसमें अंतर भी लिख सकते हैं। इसके बाद किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो ये आपको बताना है। ये फर्स्ट जो है कि पदार्थ का नाम तथा सूत्र लिखना है, और ऊपर जो आपको ये फर्स्ट में पदार्थ का नाम तथा सूत्र है, लिखे गए पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखना है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स अपचयन और अपचयन को समझाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीजन के आस और हानि उपयोग और हानि के द्वारा आपको बताना है कि जो अपचयन और उपचयन अपक्रिया किस प्रकार होती हैं। इसके बाद है कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, 50 यूनिट है। इसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, वैसे इंपॉर्टेंट मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम है लेकिन फिर भी आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है डोवेराइनर कत्रक नियम, जो कि वेरी ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो आपको अंक दो के लिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसके बाद अंक के प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, सीमाएं लिखना है। मेंडली की आवर्त नियम से आप क्या समझते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है डीएनए प्रतिकृति का पयन में क्या महत्व है, देवखंडन मऊखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। और मानव में भ्रूण के क्या कार्य हैं,
देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी सहायता से आपको पता है। देखिए ये मैंने बहुत पहले इसलिए वीडियो अपलोड कर दी है ताकि आप देखेंगे, जिन लोगों ने देख लिया बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप अपने दोस्तों से शेयर जरूर करने वीडियो, और आपको आपको पता भी चल जाएगा। आप अपने आप बिल्कुल पता कर सकते हैं, जैसे कि आप क्वार्टरली एग्जाम में कुछ इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे, कुछ आप एली में फंसेंगे, और कुछ प्री बोर्ड में, और कुछ द्वितीय प्री बोर्ड में, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे वो नहीं फंसेंगे तो आप वो क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है जनन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके लाभ एवं हानियां मैंने नहीं लिख पाया। ये दो नंबर पूछ सकता है, कायिक प्रवर्धन के दो लाभ लिखिए, या फिर आपको दो हानियां भी पूछ सकता है, ठीक है, दो लाभ या दो हानियां। तो ये आपको अच्छी तरह से कर लेना है, कायिक प्रवर्धन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इसमें से पाँच नंबर का आता है, तो ये पाँच नंबर में बन सकता है कि दो कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके दो लाभ एवं दो हानियां लिखिए, दो दो अंक में ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, दो का ये और एक का ये, ठीक है, तो पाँच नंबर। और वैसे अगर दो नंबर में पूछेगा तो पूछ दे कायिक प्रवर्धन के दो लाभ लिखिए या फिर दो हानियां, या फिर ओनली यही पूछेगा कायिक प्रवर्धन क्या है। इसके बाद परागण और स्वपरागण किसे कहते हैं, देखिए इसमें क्या लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन भी है कि लैंगिक जनन कैसे कहते हैं। जैसे कि आप जो कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को याद करेंगे, अंतर याद करेंगे, तो उसी की फर्स्ट डेफिनेशन ही आपकी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन हो जाएगी, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और वैसे इसमें स्वपरागण भी आपने जो आपका अंतर होगा परागण और स्वपरागण, या परागण और निषेचन में अंतर, तो उससे भी आप ये कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आपके आपको पाँच अंक के लिए करना है, वो उस दो अंक में भी फिट हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवखंडन क्या है, इसके बाद ऋतु स्त्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किसे कैसे होता है आपको बताना है। इसके बाद जीवाश्म क्या है, विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है समझात और समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अंतर भी आप कर लेना अंतर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपको उनको समझाना है उसी के आप इनको अंतर में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद गुणसूत्र क्या है, अथवा गुणसूत्र किसे कहते हैं, जय प्रकाश से आप क्या समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अवशेषी अंग क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। इसकी आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, तो आप नीचे जरूर देख लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आनुवांशिकता, आपको पूछ सकता है कि इसके जनक कौन है, तो ये भी आपको बताना है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। इसके बाद मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाइए, आपको मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है वो आपको समझाना है। इसके बाद मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम भी आपको समझाना है। ये तीनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों नियम अच्छी तरह इसका लेना है, एक पूछ सकता है, तीनों नियमों में से एक नियम आपका पूछा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ अंक दो के लिए, इसलिए मैंने अधिकतर क्वेश्चन आपको बताएं ताकि आप शुरू से तैयारी करें और अपनी अच्छी तैयारी कर लें, वैसे इनमें से आपके अंक दो के पूरे कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद है ठीक है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना आपको बताना है, ठीक है। समझात एवं समवर्ति अंगों में अंतर भी लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको अवतल दर्पण के उपयोग भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के, देखिए पांच वैसे तो आप पांच नंबर लाइक क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार अगर दो नंबर पूछेगा तो पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के आपको दो उपयोग लिखना है, ठीक है। अवतल दर्पण के पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, तो आप उत्तल दर्पण के भी दो उपयोग पूछ सकता है, ठीक है, अवतल उत्तल दर्पण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक गोली दर्पण की वक्रता तज्जा 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, वक्रता तज्जा बदल सकती है, यहाँ पर 32 हो जाए या 12 हो जाए, तो आपको जिस प्रकार फोकस दूरी इसकी निकालेंगे उसी प्रकार आप इन सवाल इन जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इनके भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है किसी लेंस की एक दायरे पर क्षमता को परिभाषित कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो आपको देखिए इसमें 2 की जगह 4 मीटर आ सकता है, 6 मीटर आ सकता है, कुछ भी अगर संकेत चेंज हो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्या आपको अगर लेंस की क्षमता का आपको फॉर्मूला आता है तो यहाँ पर जो भी फोकस दूरी दी हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अपवर्तन एवं परावर्तन के नियम लिखिए, तो आपको अपवर्तन और परावर्तन के नियम लिखना है, दो ये हमेशा साथ में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको अपवर्तन के नियम पूछेगा क्योंकि दो नंबर में रहता है, ठीक है। जैसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं, स्नेल का नियम भी कह सकता है कि अपवर्तन की जगह स्नेल का नियम लिखिए एवं परावर्तन का नियम लिखिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अंतर है, अच्छी तरह से कर लेना। इसके बाद गोली दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आवर्धन किसे कहते हैं आपको बताना है, अब वर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अंक 3 के लिए आएगी, तो वो भी जरूर देखें क्योंकि तभी आपके 95+ मार्किंग कर सकते हैं, तभी आप बिल्कुल
प्लस ला सकते हैं। सभी वीडियो देखेंगे तभी आपके आएंगे, ऐसे नहीं कि एक वीडियो से हो जाए तो बिल्कुल, क्योंकि ये अंक दो के लिए हैं। इसके बाद लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक लिखिए। नेक्स्ट है निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको अंक दो के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को आपको अगर और आपने कर ली तो बहुत अच्छी बात है। अंक दो में आपके ये मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको भी पता लग जाएगा कि क्वार्टरली एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जरूरी नहीं कि पूरे क्वेश्चन आए, लेकिन हाफ ईयरली और आपको जो प्री बोर्ड प्रथम और द्वितीय देंगे तो उसमें आपको लग जाएगा इनमें से मैक्सिमम क्या अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन नहीं भी आए तो आप स्वयं कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन अगर छूट जाए तो वो आपको स्वयं कर लेना है। ठीक, वैसे सभी आप बिल्कुल कवर कर लेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।